अल्नर नर्फ, मीडियम कॉर्ड से हुई है तो ओरिजिन, ये होते हैं ओरिजिनेट फ्रॉम जिनेट फ्रॉम मीडियल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस, ठीक है, और किसको इनर्वेट करती है, इनर्वेशन वन एंड हाफ फिंगर्स प्लस हाइपोथेनार मसल, हाइपोथेनार मसल, ठीक है, ये जो लोअर साइड पे होते हैं इनको इनर्वेट करती है, क्लियर, ओके। फंक्शंस क्या क्या फंक्शंस हो सकते हैं इसके, ये हो गया वही जो मीडियन के थे, स्मॉल फ्लेक्शन ऑफ रिस्ट ऑफ रिस्ट, स्मॉल फ्लेक्शन ऑफ फिंगर्स, फिंगर्स सही है, ओके। कॉजेज ऑफ इंजरी, वही जो अजल से आ रहे हैं, ट्रॉमा, ट्रैक्शन इंजरी और अपर मोटर न्यूरॉन लेजन, उसके साथ ऐड कर दें। हुक ऑफ हेमेट, हेमेट फ्रैक्चर सेकंड, मीडियल एपिकुंडाइल, इधर लिख के आप फ्रैक्चर ऑफ, फ्रैक्चर ऑफ मीडियल एपिकुंडाइल ऑफ ह्यूमरस, ठीक है, उसके अलावा क्या हो सकते हैं इसकी इंजरी, हुक ऑफ हेमेट हो गया है, मीडियल एपिकुंडाइल ऑफ ह्यूमरस और गियान केनाल सिंड्रोम, गियान, गुयान भी कहते हैं इसको, गुयान केनाल सिंड्रोम, ठीक है, कल हमने पढ़ा था कार्पल टनल सिंड्रोम, किसका था वो, मीडियन नर्व का, और आज हम कर रहे हैं गुयान केनाल सिंड्रोम, किसका है, अल्नर नर्व का, सही है, हम इसको डिस्कस करते हैं साथ में इधर ही कि ये कैसे होता है, यहाँ तक क्लियर हो गया, ओके, इसको डिस्कस करते हैं पहले, गुयान केनाल सिंड्रोम, गुयान केनाल सिंड्रोम, ये भी टनल में से पास होती है, गियान टनल से, सही है, या केनाल से, क्या होता है, जो साइक्लिस्ट होते हैं, ऐसे ही समझो, ये क्या लिखेंगे, साइक्लिस्ट जो होते हैं, ठीक है, वो हैंडल बार को पकड़ते हैं, उसके पकड़ने की वजह से क्या होता है, उनका कंटिन्यू प्रेशर आता है किसके ऊपर, इधर आता है रिस्ट के ऊपर, ठीक है, कंटिन्यूस प्रेशर आता है, उस कंटिन्यूस प्रेशर होने की वजह से क्या होती है, ये केनाल जो होता है कंप्रेस्ड हो जाता है, उसकी कंप्रेशन की वजह से अल्नर नर्व क्या होती है, डैमेज होती है, सो आप यहाँ पे सिंपल पॉइंट लेके, मोस्ट कॉमन इन साइक्लिस्ट, मोस्ट कॉमन इन साइक्लिस्ट क्यों होती है, समझ आ गई है, कि वो बार की वजह से कंटिन्यूस प्रेशर आ रहा होता है उसके हाथ के ऊपर, ठीक है, जिसकी वजह से टनल या किनाल जो है हमारी वो क्या हो रही है, कंप्रेस हो रही होती है, ठीक है, जिसकी वजह से अल्नर नर्व की इंजरी कॉज होती है, समझ आ गई है, क्लियर यहाँ तक, ओके। नेक्स्ट करते हैं हम क्लंकी पाल्सी, क्लम, ये जरा देखो क्लंकी है या क्लंपी है, क्लंकी है शायद, मुझे नाम भूल गया इसका, बेल जरा दो मुझे, क्लंप की है, क्लंप की पालसी,
ये लोअर ट्रंक और अपर ट्रंक के बीच में से क्लंप की है ना, उसके क्लंप की पॉलिसी है। ठीक है, क्लंप की पॉलिसी सही है। कोई मसला नहीं है ऐसे। क्लंपी पॉलिसी सही है। इसमें क्या होता है, इसके अंदर दो नर्व जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। पहला आपका इन्वॉल्व होता है कौन सा, मीडियन नर्व। ठीक है, और उसके साथ इन्वॉल्व होता है अल्नर नर्व। दोनों साथ अगर डैमेज हो, एक साथ ही डैमेज हो, तो क्या क्या लॉस होगा, कंप्लीट लॉस ऑफ लेक्शन। ठीक है, और उसके साथ साथ किसका, फिंगर्स का और रिस्ट का। ठीक है, रिस्ट और फिंगर कंप्लीट लॉस ऑफ फ्लेक्शन होगा। उसके साथ थिनार और हाइपोथिनार मसल जो होंगे वो क्या होंगे, फ्लैट। ठीक है, अब क्लासिकल साइंस क्या होता है इसका, क्लासिकल साइन होता है इसका कंप्लीट क्लॉ हैंड। कंप्लीट क्लॉ हैंड, अभी मैं समझाता हूँ। देखो, अगर फ्लेक्शन नहीं होगी इन तीनों की, ठीक है, हम इसको जो है फ्लेक्स नहीं कर सकते। सही है, नो फ्लेक्शन, एक्सटेंडेड रहेगी। सही है, दो ये भी एक्सटेंडेड पोजीशन में आ गई, हाथ हो गया आपका ऐसे। सही है, रिस्ट की भी फ्लेक्शन नहीं हो रही, तो कैसा होता है, इनकी ऐसी पालसी होती है ये। सही है, जब आप ये पेशेंट देखोगे इनके हाथ ऐसे होते हैं। मैं भी किसी ने देखा भी हो, आगे पीछे गांव हमारे उधर एक है, उसका हाथ आ गया था, वो जिसमें गंदम नहीं डालते, क्या कहते हैं उसको, थ्रेशर, हाँ उसमें उसका हाथ आ गया था, तो उसकी वजह से यहाँ पे फ्रैक्चर है और उसका हाथ ऐसे है। सही है, दोनों नर्व अगर डैमेज हो तो उसको हम क्या कहते हैं, क्लंप की पालसी। दिस इज ड्यू टू द इंजरी ऑफ बोथ अल्नर एंड मीडियन नर्व, देयर विल बी कंप्लीट लॉस ऑफ रिस्ट, कंप्लीट सॉरी फ्लेक्शन ऑफ द रिस्ट एंड कंप्लीट फ्लेक्शन लॉस ऑफ द कंप्लीट लॉस ऑफ द फ्लेक्शन ऑफ फिंगर्स। सही है, फ्लैटनिंग ऑफ हाइपोथिनार एंड थिनार मसल। सही है, ओके। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पूछते हैं इस अल्नर नर्व से रिलेटेड, वो पूछते हैं कि अगर डिसलोकेशन हो एल्बो की। ठीक है, यहाँ पे एक और पॉइंट या ऐड कर देते हैं, डिसलोकेशन ऑफ एल्बो अल्नर के साथ। सही, कंप्लीट क्लॉ हैंड, सी एल ए डब्ल्यू क्लॉ। वो पूछते हैं कि एक पेशेंट है, उसको प्रेजेंट किया गया है और उसको कोई ट्रॉमा हुआ है और जिसकी वजह से उसकी एल्बो डिसलोकेटेड है, बताओ इनमें से कौन सी पॉसिबल नर्व है जो डैमेज हो सकती है। आपने अल्नर के साथ जाना है, क्यों, क्योंकि यही पास पास पड़ी होती है मीडियल साइड पे। ठीक है, एल्बो के अगर इंटीरियर डिसलोकेट हो जाए तो यही हो जाती है डैमेज। उसके साथ वो पूछते हैं कि हुक ऑफ हेमेट, मैं जिस पे स्टार लगा रहा हूँ, ठीक है, ये एमसीक्यू पूछते हैं, हुक ऑफ हेमेट और साथ में डिसलोकेशन ऑफ एल्बो और मीडियल एपिकुंडाइल। ठीक है, ज्ञान के नाल से या गुयान के नाल से आपको समझ आ जाएगी कि ये सिर्फ अल्नर की पालसी है। ठीक है, हुक ऑफ हेमेट बॉक्सर जो होते हैं, ठीक है, अगर वो करते हैं ड्यूरिंग बॉक्सिंग, आपको कहेंगे एक बॉक्सर को लाया गया है, ठीक है, और उसको जो है ये लेटरल साइड से सेंसेशन नहीं है, ना उसकी सेंसरी है और ना ही उसकी मोटर सेंसेशन है। ठीक है, और जब एग्जामिन किया गया तो उसके हाइपोथिनार मसल भी फ्लैट था। ठीक है, एक्सरे रेडियोग्राफ के ऊपर हमें पता चला कि हुक ऑफ हेमेट जो है वो फ्रैक्चर्ड है, बताओ कौन सी नर्व डैमेज होगी। सही है, वो कोई भी सिनेरियो आपको दे सकते हैं, लेकिन आएगा ही सिर्फ अल्नर पे आएगा। ठीक है, क्लियर है अवेश सामा, मीडियल एपिकुंडाइल का ये एनाटॉमिकल पोजीशन जब हम कर रहे थे, मैंने उस वक्त भी कहा था कि लेटरल एपिकुंडाइल से कौन सी चीज़ पास होती है, रेडियल नर्व, और मीडियल एपिकुंडाइल से कौन सी चीज़ पास होती है, अल्नर नर्व। ठीक है, अगर मीडियल एपिकुंडाइल फ्रैक्चर्ड हो जाए ह्यूमरस का, ठीक है, तो कौन सी नर्व डैमेज होगी, अल्नर नर्व, ये रूट है इसका। सही है, क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट चले, लास्ट नर्व है हमारी रेडियल नर्व। रेडियल नर्व ओरिजिन
बता सकते हो कोई? भूल गए हो? हाँ सही बताया, देख के बताया, पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ ब्रैकियल प्लेक्सस। सही है। किस चीज को इनर्वेट करता है? इनर्वेशन, ये आपका इनर्वेट करता है। कोई बता सकता है? कल हमने एक नर्व में पढ़ा था कि वो फोर आर्म और साथ में जो पाम है, ठीक है, उसके सेंसेशन को कैरी करता है, सेंसरी सेंसेशन, और आर्म की सेंसेशन को कैरी नहीं करता। कौन सी नर्व थी? योर फ्रेंड मस्कुलोकुटीनियस नर्व, ठीक है। मस्कुलोकुटीनियस नर्व जो है वो किस में? आर्म को नहीं करती थी वो, तो आर्म की सेंसेशन कौन कैरी करेगा? रेडियल नर्व, ठीक है। आर्म सेंसरी, सही है। सेकंड, ये जितने भी एक्सटेंसर मसल्स होते हैं, बताता हूँ, एक्सटेंसर मसल्स, चाहे वो पोस्टीरियर आर्म में है या फिर पोस्टीरियर फोर आर्म में है या पोस्टीरियर हैंड, ठीक है। एक्सटेंसर अगर लफ्ज पे गौर करें, एक्सटेंड मीन एक्सटेंशन, ठीक है। जितने अब तक हम फ्लेक्शन को देख रहे थे, एल्बो की फ्लेक्शन कौन करवा रहा था? मीडियन और मस्कुलोक्यूटेनियस, सही है। नहीं, मस्कुलोक्यूटेनियस एल्बो की फ्लेक्शन करवा रहा था ना, साथ में वो सुपिनेशन भी कराता था। प्रोनेशन हमने कहा मीडियन करवाता है, और फ्लेक्शन किसका? रिस्ट का कराता है, फिंगर्स का कराता है। अल्नर का भी हमने फ्लेक्शन देखा, और अभी तक एक्सटेंशन की हमने बात नहीं की, ठीक है। फ्लेक्शन तो कर रहे, एक्सटेंड कौन करवा रहा है? ये एक्सटेंशन में हेल्प करती है आपके रेडियल नर्व, ठीक है। इन्वॉल्व इन एक्सटेंशन, यही इसका फंक्शन है, सिर्फ एक ही फंक्शन है। रिजिड हो गए थे 10 दिन की, और मेरे बाजू ऐसे हो नीचे ना जाए, वो मसल स्टिफनेस है, वो लैक्टिक एसिड वगैरह अकम्युलेशन होती है उसमें, इनर्वेशन, और ये हो गया फंक्शन, ठीक है। फंक्शन के अंदर आप लिखे एक्सटेंशन ऑफ आर्म, एक्सटेंशन ऑफ एल्बो, एक्सटेंशन ऑफ रिस्ट, और एक्सटेंशन ऑफ फिंगर्स, फिंगर्स, सही है। कल किसी बच्चे ने कहा था, एक अब्बास ने कहा था शायद, और किसी और ने भी कहा, उसामा ने भी कहा था, है वो जो है हैंड ड्रॉप हो जाता है, रिस्ट ड्रॉप, वही सही है। क्यों होता है? आज हम उसको देखेंगे कि होता क्यों है वो, ठीक है। रिस्ट ड्रॉप अगर रेडियल नर्व इंजर होता है, पहले कॉजेज देखते हैं इसकी, क्यों होगा ये इंजर्ड, कॉजेज ऑफ इंजरी, वही ट्रॉमा, ट्रैक्शन इंजरी, अपर मोटर न्यूरॉन लीजन्स, और बता सकते हैं कोई? शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस, अगर ये फ्रैक्चर हो, फ्रैक्चर ऑफ शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस और फ्रैक्चर ऑफ लेटरल एपिकुंडाइल, एपिकुंडाइल ऑफ ह्यूमरस, ठीक है, ये सारे इसके कॉजेज होते हैं इसकी इंजरी के। समझ आ गई या वैसे नहीं आई? हम कह रहे हैं कि अगर जो ह्यूमरस है वो मिड शाफ्ट से टूटे, मेरा ह्यूमरस अगर मिड शाफ्ट से टूट जाए, वहाँ से हमने उसमें पोस्टीरियर व्यू में देखा भी था कि वहाँ रेडियल ग्रूव था जहाँ से रेडियल नर्व पास होती है, सही है। तो अगर मिड शाफ्ट से टूट जाए ह्यूमरस, तो कौन सी नर्व डैमेज होगी? रेडियल। और फिर हमने देखा कि ये लेटरल साइड था एपिकुंडाइल, इस एपिकुंडाइल से पास होता था, ठीक है, रेडियल नर्व आगे जाता था। अगर लेटरल एपिकुंडाइल से फ्रैक्चर हो ह्यूमरस, ठीक है, तो कौन सी नर्व डैमेज होगी? अगेन रेडियल। या फिर
ऊपर ट्रॉमा हो या ट्रैक्शन इंजरी हो, ठीक है, स्पेसिफिक पार्ट के ऊपर, तो ये हो सकते हैं। क्लियर यहाँ तक। अब हम देखते हैं साइन एंड सिम्टम या क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे। क्लिनिकल फीचर्स, इसकी क्लिनिकल फीचर में आता है रिस्ट ड्रॉप, सही है। क्यों, ये कौन सी पोजीशन है, फ्लेक्स पोजीशन है ना, फ्लेक्शन, ठीक है। अगर एक्सटेंशन लॉस हो जाएगी तो क्या होगा, किस पोजीशन में जाएगा, फ्लेक्शन में, ड्रॉप होगा, ठीक है। दैट्स वाई देयर विल बी लॉस ऑफ एक्सटेंशन। अगर एक्सटेंशन लॉस हो जाए तो आप कैसे अपने हाथों को लेकर आओगे अपनी नॉर्मल पोजीशन में, सही है। तो रिस्ट क्या होगा, ड्रॉप, सही है, कोई एक्सटेंशन नहीं होगी। क्लियर यहाँ तक। अभी इस रिलेटेड एक डिस्कस करते हैं, पालसी जो एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है, सैटरडे नाइट पालसी, सही है, सैटरडे नाइट पालसी, पालसी पालसी, हाँ ग्रुप 15 सैटरडे नाइट पालसी, इसमें क्या होता है, ये सुनने वाला है। इसके अंदर रेडियल नर्व डैमेज होती है, सही है। रेडियल नर्व कैसे डैमेज होती है, सैटरडे नाइट चूँकि वीकेंड है आपका, सही है, उसमें क्या होता है, सेवेयर फेटीग या फिर रिलैक्सेशन के लिए कुछ भी, जिसकी वजह से आप सो जाते हैं। किस साइड पे, वन साइड, लेटरल साइड के ऊपर सो जाते हैं। लेटरल साइड की वजह, सोने की वजह से क्या होता है कि आपका जो ब्रेकियल प्लेक्सिस है, ठीक है, वो कंटिन्यूसली कंप्रेस हो रहा होता है। उस कंप्रेशन की वजह से रेडियल नर्व जो है इंजर्ड होता है, और उस वजह से कि ये सैटरडे नाइट को जब आप टन होके सो जाते हैं, ठीक है, तो मोस्ट कॉमनली सीन किया गया था, दैट्स वाई दे कॉल्ड इट सैटरडे नाइट पालसी। देयर इज नो एनी टॉप साइंसेस, जस्ट ये है कि सैटरडे को जो है आप रेस्ट करते हैं, ठीक है, उस रेस्ट की वजह से कंटिन्यूअस कंप्रेशन होती है, ठीक है। कंप्रेशन की वजह से क्या होती है, कौन सी नर्व डैमेज, रेडियल नर्व। वो हमेशा पूछते हैं सैटरडे नाइट पालसी में कौन सी नर्व डैमेज होती है, तो रेडियल नर्व इंजरी, ठीक है। अगर रेडियल नर्व इंजरी होगी तो रेडियल नर्व क्या, ऑलरेडी हमने सारी चीज़ें लिखी हैं, सही है, सही है। क्लियर हो गया, पक्का, भूलेंगे तो नहीं ना, बिना नर्व वर्स, सही है। ये अक्सर मतलब के सो के उठते हैं तो ये टेम्परेरी होती परमानेंट है, वही सीन है। टेम्परेरी, हाँ, कुड बी, नहीं परमानेंट का इतनी जल्दी, वही एक साइड सो के नमनेस, उठते हैं टिंगलिंग ना। वगैरह, हाँ वही, सही है। क्लियर,